हाय एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीओ बी सिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि बेसिकली रिलेटेड होगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और बेसिकली जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं जो कि होंगे ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो शॉर्ट होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा और ये बेसिकली यूनिट फाइव का पार्ट थर्ड है यूनिट फाइव के दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको भी आप देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नहीं तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाकर चेक कर लीजिएगा वहाँ पर भी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे ठीक है मिशन हमारा है सेवेंटी परसेंट ऑफ मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट कीप दैट मिशन इन माइंड एंड विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दी एग्जाम्स ठीक है तो मेरी तरफ से वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिसके थ्रू आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो ईजी हो जाएंगे और आप अपने मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में जस्ट फॉलो द टिप्स विच आल बी गिविंग टू यू एंड अपलोडिंग फॉर यू ओके ना लेट प्रोसीड तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है एग्जाम में एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन तो अलग अलग तरह के कौन से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरन वो आपको बताने हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये पॉइंट आपको फोकस में रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको पहले तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा एंड उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं जैसे कि ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या होता है इंटरबैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है स्पॉट ट्रांजेक्शन क्या होता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है ये जो दो बेसिकली टॉपिक्स हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं उसी तरीके से इंटरबैंक ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं एंड उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ओके तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए एंड दैट इज़ माई गारंटी वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगने लगेगा वीडियो के साथ-साथ सभी कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आ, सबसे पहले पार्ट को इस क्वेश्चन के ओके okay, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे एंड उसके बाद हम आगे अपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी कि ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड इंटरबैंक ट्रांजैक्शन उनके बारे में जानेंगे विल आई एल एक्सप्लन यू आई एल प्रोवाइड यू डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रटी ईजिली तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन तो फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप क्या करते हैं बाय करते हैं या सेल करते हैं अ क्वान्टिटी ऑफ वन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर अनदर यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी आप बाय या सेल करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाते हैं अब इसकी अगर हम बात करें तो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं जिसमें आपको क्या करना है डिलीवर करना है या सेटल करना है अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस और एक्सचेंज रेट ठीक है एक्सचेंज रेट की बात ध्यान रखिएगा इट कीप्स ऑन चेंजिंग आज आपका एक्सचेंज रेट जो है आपकी करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच में कुछ हो सकता है कल की डेट में कुछ भी हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर आपको एक एक डॉलर परचेज करना है तो उसके लिए अभी आपको लगभग सेवेंटी फाइव रुपीज़ पे करने हैं ठीक है सेवेंटी फाइव रुपीज एज दी एक्सचेंज रेट फॉर वन डॉलर एक डॉलर के लिए लगभग सेवेंटी फाइव रुपीज़ आपको पे करने हैं यहीं पर अगर मैं बात करूं आज से दस साल पहले तो एक डॉलर के लिए आपको बेसिकली कितने पे करने होते थे हार्डली अबाउट सिक्सटी रुपीज ठीक है तो ये क्या है बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है इट स्पेसिफाइड टाइम पर अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है बाइंग या सेलिंग का एक करेंसी का दूसरे के एक्सचेंज में एक स्पेसिफाइड रेट पर या फिर आपके स्पेसिफाइड प्राइस पर वो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ओके और जितने भी ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली आपके कहाँ पर होते हैं

इन एक्सचेंज मार्केट। आई रिपीट याद कर लीजिए साथ में फॉर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू बाय और सेल अ क्वान्टिटी ऑफ वन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर अनादर एट अ स्पेसिफाइड टाइम फॉर डिलीवरी एंड सेटलमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस और एक्सचेंज रेट इन दॉरन एक्सचेंज मार्केट ओके सो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है पॉइंट्स मेमोराइज हो चुके होंगे लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड सो गाइज उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं ठीक है इस तरह के डायग्राम्स आप अपने एग्जाम में ब, आ, बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारा पर्सन ए मान लीजिए इनको और ये है पर्सन बी तो ये आपस में क्या कर रहे हैं बेसिकली इनके पास यूरो है तो ये यूरो सेल करना चाहते हैं पर्सन बी को एंड बाय करना चाहते हैं बेसिकली डॉलर्स तो जो बी है उसके पास है डॉलर्स अवेलेबल और ए है उसके पास बेसिकली यूरोज अवेलेबल हैं तो आपस में जो ऐसे करेंसी के ट्रांजेक्शन होंगे ये होंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जहां पर एक करेंसी दूसरी करेंसी के बदले एक्सचेंज की जाएगी ठीक है ऐसे सारे ट्रांजेक्शन बेसिकली फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कहलाएंगे ओके करेंसी इज यूरो एंड डॉलर ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं दो अलग अलग करेंसी के बीच में हो रहे हैं और क्लियर और हो okay? so sure कि होगा so point, में हम थोड़ा सा और में जानेंगे कितने टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की अगर बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार टाइप्स के होते हैं तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सबसे पहला है ट्रेड ट्रांजैक्शन ओके आई रिपीट ट्रेड ट्रांजैक्शंस तो जितने भी ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं नाउ द सेकेंड इज़ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स ओके तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हमारे दूसरे टाइप के होते हैं फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन तीसरे नंबर पर आते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन्स ओके स्पॉट ट्रांजेक्शन इज़ द थर्ड टाइप ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ओके फॉर्वर्ड ट्रांजेक्शन वट बी द फोर्थ टाइप ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजक्शन तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन तो चार तरह के होते हैं फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सबसे पहला है ट्रेड ट्रांजेक्शन दूसरा है इंटरबैक ट्रांजेक्शन थर्ड इज द स्पॉट ट्रांजेक्शन एंड द फोर्थ इज द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ओके तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड इंटरबैंक ट्रांजेक्शन अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड फॉर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच इज नोन एज ट्रेड ट्रांजेक्शन तो क्या होते हैं ट्रेड ट्रांजेक्शन लेट्स नो अबाउट दम एंड उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तो ट्रेड ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ अ बैंक एंड नॉन बैंक कस्टमर तो ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज के जो कि एक बैंक और नॉन बैंक कस्टमर के बीच में होते हैं आई रिपीट ट्रेड ट्रांजैक्शन वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि बैंक और नॉन बैंक कस्टमर के बीच में होते हैं ओके okay? Now in trade transaction the customer wishes to buy or sell a quantity of currency to complete a business transaction और ओकेजनली फॉर प्रॉफिट फ्यूचर चेंजेस इन एक्सचेंज रेट तो ट्रेड में क्या होता है बेसिकली जो कस्टमर होता है जिसको हम बोलेंगे नॉन बैंक कस्टमर वो या तो खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फॉरन करेंसी या बेचना चाहता है अपनी पर्टिकुलर करेंसी की क्वांटिटी को कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए या उसको लगता है कि आने वाले टाइम में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा एंड इस फ्लक्चुएशन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो क्या कर सकता है प्रॉफिट अर्न कर सकता है ठीक है तो ऐसी कोई भी यू नो स्पेकुलेशन होती है तो उस केस में क्या करता है जो कस्टमर या तो बाय कर लेता है या सेल कर लेता है अपनी करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी को तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी एक नॉन बैंक कस्टमर और एक बैंक के बीच में कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होगा तो वो कहलाएगा ट्रेड ट्रांजेक्शन ओके यहां पर होगा या तो स्पेकुलेशन के थ्रू प्रॉफिट कमाना ठीक है एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस होंगे उससे आपका जो स्पेकुलेशन आप करेंगे और उस पर आपका फॉरेन करेंसी को बाय कर लेंगे या सेल करेंगे अकॉर्डिंगली तो वो कहलाएगा बेसिकली स्पेकुलेशन प्रॉफिट और या फिर आपने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रखा है किसी के साथ में एंड यू हैव टू पे मनी इन अ डिफरेंट करेंसी तो आप उस केस में बाय करेंगे अपनी यू uh, नो you know, किसी फॉरेन करेंसी को एंड सेल करेंगे अपनी करेंसी को तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन कहलाएंगे ट्रेड ट्रांजेक्शन आई एम श्योर की ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा बहुत ही ईजी टॉपिक है कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पार्ट को फिर से आप यू uh, नो you know, देख लीजिएगा आपको एक समझ में आ जाएगा नॉलेट प्रोसीड टू द डायग्राम सो so, डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट तो सबसे पहले हमारी एक तरफ है बैंक ठीक है तो यहाँ पर है हमारे बैंक और दूसरी तरफ है ये हमारा नॉन बैंक बेसिकली कस्टमर ठीक है तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं ये बाई करना चाहता है फॉरेन करेंसी या फिर सेल करना चाहता है फॉरेन करेंसी तो जब भी बाइंग होगी या सेलिंग होगी फॉरेन करेंसी की बिटवीन अ बैंक एंड अ नॉन बैंक कस्टमर तो ऐसे ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या कहलाएंगे आपके ट्रेड ट्रांजेक्शन ओके तो बैंक और नॉन बैंक कस्टमर के बीच में जब भी फॉरेन करेंसी के बाइंग या सेलिंग होगी या ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहलाएंगे ट्रेड ट्रांजेक्शन ओके तो आएम श्योर की डायग्राम समझ में आ चुका होगा बहुत ही सिंपल डायग्राम है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो इस तरीके के डायग्राम्स आपको क्या करने हैं अपने एग्जाम्स में बनाने हैं और uh, अगर आप डायग्राम्स बनाएंगे तो पेज भी ज्यादा कवर कर पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच इज इंटर बैंक ट्रांजेक्शन तो जानेंगे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं इफ़ यू हैव एनी आइडिया एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स और uh, नहीं पता तो कोई बात नहीं विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू नाउ इट सेज दोज ट्रांजेक्शन्स यानी कि वो सारी ट्रांजेक्शन वे आर टू बैंक ट्रेड करेंसीज बिटवीन देम सेल्व सच ट्रांजेक्शन आर नोन एज इंटर बैंक ट्रांजेक्शन तो वो सारी ट्रांजेक्शन जहां पर दो बैंक ध्यान दीजिएगा दो बैंक या दो से ज्यादा बैंक आपस में क्या करते हैं करेंसीज को ट्रेड करते हैं यानी कि बाय और सेल करते हैं ऐसे सभी ट्रांजेक्शन कहलाएंगे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन यानी कि बैंक बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे फॉरन करेंसी के दैट वुड बी नोन एज इंटरबैंक बैंक ट्रांजैक्शन यानी कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को या तो फॉरेन करेंसी सेल करेगा या उससे बाय करेगा और ऐसे ट्रांजैक्शन बैंक्स के बीच में ही रहेंगे यहां पर कोई अदर थर्ड पार्टी नहीं होगी तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपके इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे ओके पॉइंट okay? बहुत ही सिंपल होगा समझ में आ चुका होगा आपको नाउ नेक्स्ट पॉइंट से इज बैंक बाई एंड सेल यूज क्वान्टिटीज ऑफ फॉरन करेंसीज दे ऑल्सो एक्सेप्ट करेंसी डिपॉजिट एंड लैंड फॉरन करेंसीज तो बैंक जो होंगे आपने भी कभी मान लीजिए किसी फॉरन कंट्री में जाना होता है तो क्या करते हैं अब आप बेसिकली अपनी करेंसी पे करके फॉरन करेंसीज ले लेते हैं तो इस तरह की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो तो आपकी ट्रेड ट्रांजेक्शन हो गई नाउ अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है अगर मान लीजिए बैंक के पास आपको फॉरन करेंसी पे करने के लिए नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं से परचेज करेगी तो बैंक्स के बीच में आपस में काफी बाइंग एंड सेलिंग होती है फॉरन करेंसीज की और जो बैंक्स होते हैं वो आपस में करेंसी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं और एक दूसरे को फॉरन करेंसी उधार भी देते हैं ध्यान रखिएगा ना लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम फॉर दिस डायर ट्रांजेक्शन हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे एंड आई प्रोवाइड यू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम स्पॉट ट्रांजेक्शन एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए देख लीजिए एक तरफ हमारा बैंक है मान लीजिए इसको बैंक को मान लेते हैं बैंक एक्स और दूसरी तरफ हमारा बैंक वाई है ठीक है बैंक है और बैंक वाई है आपस में दोनों क्या कर रहे हैं बाय और सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी ठीक है तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन जो एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में होंगे वो कहलाएंगे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ओके सो वेन बैंक एक्स विल बाय और सेल फॉरन करेंसी फ्रॉम बैंक वाई और मे बी द बैंक वाई सेल और बाय फॉरन करेंसी फ्रॉम बैंक एक्स तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कहलाएंगे, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ठीक है तो जब भी फॉरन करेंसी को बाय या सेल किया जाएगा बैंक एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक सॉरी एक बैंक का दूसरे बैंक के थ्रू तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे आपके ओके तो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं आपको समझ में आ चुके होंगे किसी भी पॉइंट में डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा डायग्राम्स बनाइएगा एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं बहुत ईजी है मार्क्स लाना एग्जाम्स में जस्ट फॉलो द टिप्स विच आई एम गिविंग यू एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन सेवेंटी परसेंट मार्क्स इन द एग्जाम्स वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और जितना हो सके इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जिनको ये सब्जेक्ट आई बी ओ सिक्स का टफ लगता है या फिर एम कॉम का कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है आप उसको मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए एंड दैट पर्सन इफ वॉच माई वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस देन आई कैन गारंटी वो आराम से सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट मार्क्स ला सकता है बाय जस्ट सींग द वीडियोज दैट आल बी अपलोडिंग ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स पाए